पढ़ाई करो, रट्टे मारो और घर वालों के सामने पढ़ने की एक्टिंग करते रहो और अंदर ही अंदर रोते रहो। और मिला क्या? ना आज हाथ में जॉब है और ना ही लाइफ में आराम। हम क्या चाहते हैं, इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी क्या चाहती है, इससे घर वालों को जरूर फर्क पड़ता है। और इन सब में अगर बच्चा कहीं फेल हो जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर बच्चा पास हो जाए तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, नौकरी लग गई तो अच्छी नौकरी चाहिए, अगर अच्छी नौकरी लग गई तो और अच्छी नौकरी चाहिए। अरे एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों की 100% है, लेकिन बिलीव क्यों है जीरो? क्यों? कभी कभी तो लगता है यार, किस सोसाइटी में पैदा हो गए? अब अगर वो भी गए तो बस मरने का वेट करो या फिर सुसाइड कर लो। कभी उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सबको पता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ, ये कब समझोगे? चलो बाकी दुनिया एक तरफ, पापा पर हम अपने पेरेंट्स का तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। मान लिया मेरी गलती है, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने टाइम पास भी किया होगा, अगर बहुत से बात तो करो यार। हमें सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो कम से कम हमारी एबिलिटीज पे डाउट करना तो छोड़ दो। हम कभी फेल नहीं होंगे।